व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीमलैंड की टीम के प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के IPL T20 मैच के बारे में। गाइस, इस वीडियो में आपको ड्रीमलैंड की टीम प्रोवाइड करेंगे। इसी मैच के रिगार्डिंग गाइस और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस और बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी कि सारे मैचों की, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके लिए गिव अवे अनाउंस कर रखा है। गिव अवे कैसे ज्वाइन करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के मीडिया में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो अगर बात करें तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक दो चेंजेस होने के पॉसिबिलिटी है। गाइस, यहाँ पे गाइस आपको नाट कट की देगा, यहाँ पे कार्तिक त्यागी आपको दिखाई दे सकते हैं। गाइस, क्योंकि आपको पता है कार्तिक त्यागी अच्छे बॉलर हैं, टैलेंटेड बॉलर है। जयदेव नाट कट की फॉर्म इतनी कुछ अच्छी चल नहीं रही है। मेरे पे गाइस अगर बात करें बैंगलोर की तरफ से, बैंगलोर में गाइस काफ़ी अच्छी टीम लग रही है, स्टेबल टीम लग रही है। मेरे हिसाब से फिलहाल कोई चेंज नहीं लग रहा है मेरे को बैंगलोर की टीम में। बैंगलोर की टीम का अच्छा परफॉर्म कर देगा, तो मे बी बैंगलोर की टीम में चेंज ना होगा। यहाँ पे गाइस आपको लिविंग स्टोन भी आउट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको लिविंग स्टोन को तीन मौके मिलकर तीनों में लिविंग स्टोन फ्लॉप रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम राजस्थान रॉयल की टीम अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। टीम अपडेट का राजस्थान रॉयल की बहुत बेकार है। गाइस, आपको पता है गाइस, तीन मैच खेले गए, उन्होंने पहला मैच जीती थी गाइस, वो भी लास्ट मोमेंट पर आकर जीती, बाकी दोनों मैच अपने हार गए थे अपने राजस्थान रॉयल्स का, तो वो भी लगातार हार गई। अगर हम अगर उनके बैटिंग सेक्शन में निकले, संजू सैमसन के अलावा कोई बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो गाइस अगर हम संजू सैमसन को अगर हटा देते हैं राजस्थान रॉयल से, गाइस तो पूरी राजस्थान रॉयल की आप बैटिंग लाइनअप देख लेगा, पूरी फ्लॉप आपको दिखाई दे जाएगी। गाइस, यहाँ पे गाइस हम ओपनिंग प्लेयर की अगर बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल एवन लुइस गाइस ओपनिंग करने आ रहे हैं। एवन लुइस पे गाइस इस मैच में बहुत निगाहें रहने वाले, गाइस एवन लुइस में भी गाइस इस मैच में आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जायसवाल का मैं कुछ मैच में लग नहीं रहा गाइस, क्योंकि जायसवाल दो मैचों में गाइस ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे गाइस, इसमें कोई लगता है इस मैच में जायसवाल का चलने का कोई ज़्यादा चांस है। वही बात कर लेते हैं जिनके जो मिडल ऑर्डर में आएंगे, मिडल ऑर्डर में यहाँ पे संजू सैमसन आपको दिखाई दे देंगे। संजू सैमसन गाइस काफ़ी अच्छी फॉर्म है गाइस, मैं जरूर रिकमेंड करूँगा आप इनको अपनी टीम में जरूर लेना। लिविंग स्टोन पर मैं गाइस नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि हमने दो मैचों में लगा के तीन मैचों में लगा के देख लेंगे लिविंग स्टोन को, तीनों में से जीरो फ्लॉप बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं गाइस लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है गाइस, अपने पिलाते हैं लोमरो का, लोमरो काफ़ी अच्छी पिक रहने वाले हैं गाइस आपके लिए। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के हिसाब से, गाइस काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड है, मतलब 20-30 रन का नॉक खेल जाते हैं गाइस लोमरो। तो बात कर लेते हैं अगर ऑल राउंडर में, ऑलराउंडर में आपको यहाँ पर रियान परागन, राहुल तेवतिया आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बात कर लेते हैं स्पिन अटैक की, स्पिन अटैक में यहाँ पे गए आपको राहुल तेवतिया दिखेंगे। पेस अटैक में गए आपको चेतन सकारिया, इनका मुस्तफिजुर रहमान आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे पेस अटैक में। बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम अपडेट के बारे में, यहाँ पे गए अगर हम DC और CSK को अदर रख दें, गए अलग रख दें, तो इसमें RCB की टीम काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखा रही है, थर्ड पोजीशन पर इस टाइम गाइस। अपने टोटल इन्होंने 10 मैचों में से 6 गेम जीते हैं, काफ़ी अच्छे गेम जीते हुए गाइस। लास्ट मैच में गए अपने जीत के आ रही थी, मोमेंटम तो है RCB के पास। गए यहाँ पर अगर उनके ओपनिंग करके बात कर लेगा विराट कोहली, डेविड पाडिकल, RCB के लिए गए तो सबसे गुड न्यूज आई गई, विराट कोहली गए फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लास्ट दोनों मैचों में गए उन्होंने रन स्कोर करे हैं 50+ स्कोर करे गए, तो RCB के जो मेन बैट्समैन था विराट कोहली का, तो वो फॉर्म में वापस आ चुका है, इस वजह से गाइस RCB काफ़ी अच्छी टीम कंसिस्टेंसी टीम दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें डेविड पाडिकल की, डेविड पाडिकल काफ़ी अच्छी फॉर्म में, गाइस मेरे को इस मैच में पर्सनली नहीं लग रहा है कि डेविड पाडिकल को लेना चाहिए गाइस, क्योंकि आपको पता है गाइस थोड़ा पिच पे थोड़ा सा घुमा हो गया गाइस, बॉल थोड़ी स्विंग होते गाइस डेविड पाडिकल वहाँ पर दिक्कत आती गाइस, क्योंकि जब डेविड पाडिकल के लिए गाइस जब बॉल अंदर की तरफ आते गए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है डेविड पाडिकल को बैटिंग करने में। तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस डेविड पाडिकल को इस मैच में आप स्किप करने से ज़्यादा अच्छा, बट गाइस फाइनल टीम वही बात आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। क्या पता गाइस हम डेविड पाडिकल को वहाँ पे ऐड करते हैं, कुछ भी नंबर होता गाइस, सब कुछ गाइस वहाँ पे पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है गाइस, सब कुछ हमारा एनालिसिस गाइस सब कुछ मेन टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। पता अगर हम बात करें मिडल ऑर्डर में यहाँ पर रहने वाले गए सरकार भारत, ग्लेन मैक्सवेल, एबीडी वगैरह गए, जो मेन प्लेयर रहने वाला गाइस कल के मैच में RCB की तरफ से गए, वो मोस्ट प्रोबेबली गाइस एबीडी विलर रहने वाले हैं गाइस, क्योंकि आपने देखा ही गाइस लास्ट तीन मैचों में एबीडी विलर को आपने देखा है गाइस अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहे गाइस, मतलब क्योंकि एक तो गाइस उनकी बैटिंग बहुत लेट आती है, 17-18 ओवरों में गाइस उनको बैटिंग करने का मौका मिलता है, उसमें इतना रन स्कोर करने के चांसेस रहते नहीं गाइस किसी भी बैट्समैन के पास। पर गाइस इस मैच में गाइस मेरे हिसाब से गाइस एबीडी विलर्स के पास ज़्यादा मौका आने वाला है गाइस, मे बी इस मैच में आपको एबीडी विलर अच्छा रन स्कोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर कहते हैं अगर हम बात कर लें यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका रीजनेबल चाल दिखाई दे देंगे। स्पिन अटैक की तरफ से गए स्पेस अटैक में गए मोहम्मद सराज का, लीजिए मिशन एंड जो उनकी स्टार बॉलर का हर्षल पटेल आपको दिखाई दे देंगे बॉलिंग करते हुए।
गाइस अगर हम रिबेनर प्रोडक्शन के बारे में बात कर ले तो गाइस आरसीबी की तरह तो रफ अपने रिबेनर प्रोडक्शन आने वाले गाइस, क्योंकि आप गाइस दोनों का बैटिंग देख लिया, बैटिंग बॉलिंग आरसीबी काफ़ी अच्छी अच्छी लग रही है गाइस एज कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स। अगर ट्राई करना आरसीबी के मोस्ट प्लेयर्स अपनी टीम में लेने के लिए गाइस। वहीं पर गाइस अगर हम बात कर लें तो की प्लेयर्स के बारे में दोनों टीमों की, गाइस की प्लेयर यहाँ पर राजस्थान की तरफ से रहने वाले हैं लुईस जायसवाल, सैमसन लिविंगस्टोन, मॉरिस एंड गाइस मुस्तफिजुर रहमान। बैंगलोर की तरफ से गाइस विराट कोहली, पार्टिकल मैक्सवेल, डिविलियर्स, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे अपने पिच रिपोर्ट के बारे में, गाइस यहाँ पे पिच रिपोर्ट आपने देखा था गाइस ठीक ठाक पिच है गाइस 160-170 एवरेज रन स्कोर रहता है यहाँ पे गाइस। तो मतलब अगर आप गाइस अच्छी टीम लेके जाते हैं, स्टेबल टीम लेके जाते हैं तो गाइस बहुत आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है पिच गाइस, बहुत आपको अच्छा बेनिफिट करा के दे सकती है। तो गाइस अगर मैं आपको बात कर लूँगा गिव अवे के बारे में, गाइस गिव अवे गाइस आपको ज्वाइन कर लेंगे आपको यहाँ पर टीम सेक्शन दिख रहा होगा, आपको जस्ट इस टीम सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आ गए तो आपको यहाँ पर टॉप पे दिखाई दे जाएगा सजेस्ट योर टीम का ऑप्शन, गए आपको जैसे आप अपनी टीम सजेस्ट करनी है आपको दिखा दूँगा जैसे करके दे गाइज। गाइज मेरी कोई फाइनल टीम नहीं रहने वाली गाइज, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ये टीम का, कोई फाइनल टीम नहीं रहने वाली है। ये देखिए गाइज हमने टीम का जैसे बना ली अपनी टीम, कोई भी गाइज अपने कैप्टन वगैरह रख के गाइज ये देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखाई दे देगा, आपको गाइज यहाँ पे जस्ट सबमिट करना है एंड बूम गए इस तरीके से आपने हमारा गिव अवे ज्वाइन कर लिया। गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आना है हमारे पॉसिबल 11 के ऐप पे, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाके आपको पॉसिबल 11 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करना है वहाँ पे। रजिस्टर करने के बाद गाइज आपको 10 रुपीज़ इंस्टेंट गाइड बोनस मिल जाएगा। गाइज आपको जस्ट गिव अवे पार्टिसिपेट लेना है बिल्कुल फ्री, जैसे ही आप जो भी आपका कैश विनिंग अमाउंट होगा वो आपको पॉसिबल 11 के अकाउंट में आ जाएगा, जिसको आप इजीली पेटीएम में रिडीम कर सकते हैं। तो गाइज देर किस बात की गई चाहिए, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिए। तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। सो गाइस अगर हम विकेट कीपर सेक्शन में बात कर लेते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में अपने संजू सैमसन से बढ़िया कोई को पिक नहीं दिख रही गाइस इस वीडियो में, गाइस बहुत अच्छी पिक रहने वाले आपके लिए। संजू सैमसन का नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी है। बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन में गाइस आप हम कोहली को लेंगे गाइस, अपने एवन लूज को लेंगे गाइस, डिविलियर गाइस मोस्ट पिक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है गाइस आपके लिए। डिविलियर को गाइस बिल्कुल मिस कर मत करना गाइस कल के मैच में गाइस, क्योंकि आपको पता है 3 मैचों से खामोश रहे हैं डिविलियर गाइस। इस मैच में बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है गाइस कि डिविलियर बहुत अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं गाइस। एंड गाइस आपको पता है राजस्थान के खिलाफ गाइस वैसे डिविलियर्स का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो गाइस डिविलियर को मिस आउट बिल्कुल मत करना गाइस। वही बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में गाइस, यहाँ पे ऑलराउंडर में गाइस हम मैक्सवेल को लेंगे गाइस। बैटिंग में अगर हम देख लें एक दो प्लेयर्स को अगर हम और देखते हैं गाइस, यहाँ पे डेविड पार्टी के लिए काफ़ी अच्छे पिक रहते हैं, देखो थोड़ा क्रेडिट इशू की वजह से गाइस डेविड पार्टी को हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस हम लोमरो को भी लेंगे गाइस, लोमरो काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं, यहाँ पे हम एवन लुईस के साथ भी जाएंगे। बात कर लेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में हर्षल पटेल काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे, मुस्तफिजुर काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे गाइस यहाँ पे, युजवेंद्र चहल के साथ साथ गाइस हम यहाँ पे हम लेंगे अपने चेतन सपारिया। गाइस ये हमारे 4 बॉलर रहने वाले मेन गाइस, बाकी गाइस जब एक प्लेयर रहते हैं गाइस हम यहाँ पे सरकार भारत को ले सकते हैं गाइस, क्योंकि पता है 3 नंबर बैटिंग करने आते हैं 20-25 रन बना देंगे गाइस, अपने लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली गाइस, तो सरकार भारत को हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे, कैप्टन गाइस यहाँ पे मैक्सवेल को बना सकते हैं गाइस, आपको पता है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है गाइस, लास्ट मैच में भी गाइस उन्होंने विकेट्स ली थी, गाइस मैक्सी काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं आपके लिए कैप्टनसी के लिए गाइस। तो कैप्टन का मैक्सवेल को बनाइए गाइस, वाइस कैप्टन गाइस यहाँ पे संजू सैमसन को बना सकते हैं गाइस। ये मेरी फिलहाल के सबसे गाइस फाइनल टीम रहने वाली गाइस, यहाँ पे मैंने कहा जो बड़े प्लेयर मिस करेंगे वो एक डेविड पार्टी का है गाइस, और गाइस अपना एक अपना वो है यशस्वी जायसवाल गाइस, इन दोनों बड़े प्लेयर को मैंने मिस करा है गाइस, क्योंकि आपको पता है गाइस सारे प्लेयर बड़े प्लेयर आप नहीं ले सकते गाइस, फिलहाल मैंने इन दोनों बड़े प्लेयर को ड्रॉप करा है। अगर कोई नहीं तो टीम में गाइस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, तो क्या टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना गाइस। फिर आप अगर इस बार में ये मत बोलना कि गाइस आपने अपने टीम बेकार बताइए या हमारा लॉस हो गया, तो अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिला करेगी। तो गाइस ये वीडियो तक की थी गाइस, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।